सभी को राम राम। कल एक सोशल मीडिया में मनोज पल नाम के एक व्यक्ति जो बहुत सारे हिंदू समाज के ऊपर में बोले हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जो भी बोले हैं हिंदू समाज के ऊपर में, वो सुनने के बाद में कोई भी हिंदू चुप से बैठ नहीं सकते। राम मंदिर के बारे में कैंपबेल बे में जो बात किया है वो बहुत गलत बोले हैं, और ये हमेशा इस व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होते, तो इसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग हिंदू राष्ट्र शक्ति यानी HRS की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाए कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। आगे की बात हमारे अध्यक्ष जी बात करेंगे। सभी को नमस्कार। मैं हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाए हैं, ये इस बात को लेके है कि हमारे आइलैंड के एक व्यक्ति जो कि खुद को बहुत शातिर और बहुत ही एडुकेटेड समझते हैं, ये इंसान जो है हमारे सारे हिंदू संगठन को लेके बेबाक कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो कि बेबुनियाद है और बेसलेस है, और हिंदू राष्ट्र शक्ति इसका कड़ी से कड़ी निंदा करती है। और रही बात इस व्यक्ति के बारे में, मैं जितना पता किया है कि ये एक सोशल साइकोपैथ है जिसका अराजकता और डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट्स देकर जो है आपस में भिड़ाना, आपस में लड़ाना और पब्लिक के बीच में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करना जिससे उसका व्यक्तिगत रूप से उनको फायदा होता है। ये मैं इस कारण बोल रहा हूँ कि आप अगर मनोज पाल का पास देखोगे, चाइल्डहुड से लेके कॉलेज लाइफ से लेके उनके जो अभी के जो कंडीशन है वो अगर आप देखोगे, तो ये ऐसा है कि वो हमेशा से उनके वाक्य को लेके, उनके स्टेटमेंट्स को लेके जो है हमेशा जो है प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, खास करके जो लीगल लॉ एंड ऑर्डर के रूप में उनको जो है काफ़ी काफ़ी हद तक जो है इनको मतलब तकलीफें झेलनी पड़ी है, और इसके कारण जो है ये पर्सनल एक ग्रज और पर्सनल एक इंटेंशन लेके जो है ये जो है लोगों को ऊपर जो है पर्सनल अटैक करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि उनका जो रिवेंज एटीट्यूड है इसको फुलफिल करने के लिए लोगों के बीच में वो आते हैं, वो दो चार लोगों का हेल्प भी कर देते हैं ताकि बाकी लोगों को लगे कि वो वाकई में कुछ अच्छा सोच के जो है ये बातचीत कर रहे हैं। मैं उनको एक चैलेंज करता हूं कि वो जिस तरह से उस वीडियोग्राफी में या वो वीडियो में कॉन्फिडेंटली बोला है कि जितने भी हिंदू संगठन है, खास करके जो क्लियरली नाम आया है वो HRS और RSS जैसे संगठन है, ये वो इंसान बोल सकता है जिनको इन संगठनों के बारे में रद्दी भर का आइडिया नहीं है, रद्दी भर का मतलब इमेजिनेशन नहीं है कि ये समाज के लिए कैसे और कितने
तकलीफों से ये काम करते हैं और किन किन मुद्दों पर आम जनता को जो है एक सिक्योर करते हैं, आगाह करते हैं, टाइम टाइम पे ये उनके साथ खड़े होकर लड़ते भी हैं जिनके साथ लड़ना चाहिए, ये उनको कोई आइडिया नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंटली ये आरोप लगाए हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ये एक संगठनों के अगेंस्ट में जो भी वो बात बोले हैं एविडेंस लाके दिखाए, एविडेंस के साथ में नेक्स्ट टाइम बोले। अगर वो बोलते हैं कि वो लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के तरफ में उनका झुकाव ज्यादा है, तो ये तो मैं और एक झूठ पब्लिक के सामने बोल रहा है। ये मैं आपको प्रूफ करता हूं उन्हीं के इसी वीडियो में कि जो इंसान पढ़ता है, जो इंसान समाज के उन्नयन के लिए काम करता है, सोच रखता है, वो कभी किसी के भी माँ बाप भाई बहन के बारे में इतना भद्दा सोच रखकर बात नहीं करेगा। और मैं उनके इस सारे वाक्यों को एक एक मतलब एक 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 डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि इनका हर एक इंटरव्यू, हर एक मुद्दा जो है पॉलिटिकल बेस्ड रहता है, जो कि इनको पता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में काफी सारे प्रॉब्लम्स है। वो सिर्फ वो नहीं, उनके जनरेशन में हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी पॉलिटिकली रिलेटेड रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, और जो खामियां हैं उनके खिलाफ में हम जैसे लोग हमेशा से खड़े होते हैं और एकदम जोर शोर से आवाज करते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन ये उनको समझना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी के अनुसार ही काम किया जाता है, ना कि चार दीवारी के अंदर में वीडियोग्राफी करके किसी के ऊपर में आला बाला बोलने लग गए, बेबुनियाद दो आरोप लगाते लग गए। और कुछ कुछ उनके इन्हीं को बोलते हैं अंधभक्त, जिनके पास ना खुद का दिमाग होता है और ना कुछ सोच होता है कि वो आगे जाकर मतलब एनालिसिस करे कि ये जो बोल रहे वो सही है कि नहीं। मुझे एक बात आप लोग बताइए कि वो आज तक जो इंटरव्यू में बोला है, क्या यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, लोकल लीडर्स ये आवाज कभी उठाए नहीं है? ये आपके मीडिया के सामने भी उठाया है, लोगों के सामने भी गया है, और मेरे जैसे लोग लाइव आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रोड में उतर के काम भी किया है। तो इसका एक तरीका होता है, एक एथिक्स होता है। हम एक साइकोपैथ जैसा मुंह में जो आता है, दिमाग में जो आता है, मेरे फैमिली और मेरे ऊपर पर्सनल जो उत्पीड़न होता है उसके कारण हम बेबाक बात बोल देंगे, ये सही नहीं है। और मेरा पूरा विश्वास है अंडमान का पब्लिक ये चीज को समझेगी। और ऐसे लोग, हाँ, नया चेहरा नया आवाज सबको पसंद आता है, लेकिन ये छोटा सा आइलैंड है, हमें दिमाग और पेशेंस रखकर जो है सामने वाला को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे वाकई में हमारा भविष्य खतरे में ना आए। ऐसे लोग अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने यहाँ तक कि अपने देश के लिए भी खतरा है, और ये बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत बार मार भी खाया है, बहुत गाली भी सुनता है, लेकिन जो है ये बात नहीं आता है। उसका एक ही कारण है, उनका लॉ एंड ऑर्डर को पहचानने का दावेदारी करना, जो कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है, पर्सनल सेफ्टी के लिए है, ताकि वो बेबाक बोलते रहे, अगर कोई लीगल एक्शन हो वो अपना सेफ्टी जो है ये लीगल वे में करे। लीगल वे में नॉलेज रखना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका राइट्स है, हमको सबको करना चाहिए। ये सिर्फ उनके जैसा शो ऑफ करके करने का जरूरत नहीं है, इंटरनेट में अवेलेबल है, वो उन्हीं के कहा हुआ बात है, लाइब्रेरी में चले जाइए, उनका कुछ कुछ बात जो है समाज के लिए अच्छा है वो प्रैक्टिस में लाना चाहिए। लेकिन वो जो बात करता है वो खुद को प्रूफ करने के लिए करता है, लेकिन हम जो काम करते हैं निस्वार्थ रूप से, जो हम समाज के लिए काम करते हैं दिन रात एक करते हैं, ये सब कुछ जीरो नहीं कर सकता ऐसे साइकोपैथ इंसान लोग। और एक बात, जितने भी हिंदू संगठन के नाम यहाँ पे बोले हैं, शायद उनको पता नहीं है, निस्वार्थ तरीके से उनके कार्यकर्ता, हजारों और लाखों कार्यकर्ता जो है समाज के उन्नयन के लिए, कोई संकट आ जाए तो तुरंत सामने आकर उनका हेल्प करने के लिए, उनका रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं। और इन्हीं संगठन के लाखों और करोड़ों आस्था रखने वाले लोग हैं जिनको इनके ये स्टेटमेंट से ठेस पहुंचा है। क्या वो माफी मांगेगा?
क्या उनके उनके अंदर में इतना एजुकेशन या फिर इतना विद्या या फिर इतना समाज के लिए सोच है कि उनको ये समझ में आए कि उनका जो स्टेटमेंट वीडियो में आया है वो कई करोड़ों और लाखों डिवोटीज को हर्ट कर सकता है, उनके विश्वास को आघात कर सकता है, अगर वो और वो हिंदुओं हिंदुत्व के बारे में और हिंदुओं के बारे में बोलते हैं। मैं तो बोलूंगा कि हिंदुओं के लिए, खास करके हिंदुओं तो छोड़ दीजिए, मैं धर्म के बात अगर करूंगा, है या सनातनी है, हम हिंदू है या सनातनी है, अगर चलिए उनके उनके ही वर्ड्स में हम जाते हैं हिंदू, उनको तो ऐसे ही हिंदू बोलने वाले या हिंदू मानने वाले लोग से ही हिंदुओं को खतरा है। हमको ये समझना चाहिए जो देश के अंदर हो रहा था, आइलैंड से थोड़ा दूर में हो रहा था, आज ऐसे इंसान जो है अराजकता और जो प्रॉब्लम्स जो रिलीजियस इश्यूज है उसको हमारे आइलैंड के अंदर में खुद ही लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जो कि उनका भी जो कंडीशन है वो डमाडोल है, ना उनको ये समझ में आता है सही क्या है और ना ये समझ में आता है करना क्या है। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर वो अपना सेना बना के चलना चाहता है तो ये ज्यादा दिन का नहीं रहेगा। मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जितने भी हिंदू संगठन है इसका जोर शोर से अपोज करें, क्योंकि ऐसे लोग अगर बढ़ेगा तो ये हमारे समाज का शांति भंग करने के लिए ही आगे बढ़ेगा, इसको बनाने के लिए, इसको कायम रखने के लिए जो है ऐसे इंसान कभी काम कर ही नहीं सकता है। आप, मैं खुद बोल रहा हूं, उनका जितना भी पास्ट का इंटरव्यूज है, स्टेटमेंट्स है, आप खुद जान लीजिए, हिज वर्डिंग्स, हिज थिंकिंग प्रोसेस इज जस्ट लाइक ए साइकोपैथ। ये नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता है, ये डिस्ट्रक्टिव वे में ये काम करता है, जैसे कि हर एक वो इंसान जो अपना टैलेंट, अपना एजुकेशन, अपना हुनर को गलत राह में लेकर जो है एक अराजकता और एक सर्वनाश करने का एक माहौल बनाता है, ये इंसान हमारे बीच में लाइव दिख रहा है, इसको आप प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। इतना बड़ा आरोप बिना एविडेंस के बेबाक बोलने वाला एक साइको, एक पागल इंसान रह सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद, सबको राम राम, नमस्कार। ये जो दो दिन पहले मनोज पाल वीडियो बनाकर सर्कुलेट करा सोशल मीडिया में, कैंबल बे का एक राम मंदिर को लेकर, और जितने सारे हिंदू संगठन है उनके ऊपर भी उंगलियां उठाई, उनका आलोचना किया, साथ में तीन संगठन का नाम लिया जिसमें एक HRS है, VHP है, RSS है और एक पॉलिटिकल पार्टी BJP है। मनोज पाल का कहना है उस वीडियो में, जो ये वीडियो में कहा है, मैं वो एक चीज को लेके काउंटर करता हूं। मनोज पाल का कहना है कि ये संगठन HRS, स्पेशली मैं HRS का नाम लेता हूं क्योंकि मैं HRS को संबोधित करता हूं, करते हम जो है डोनेशन लेते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं, और ये जो मंदिर है 20 साल पहले से अलॉटेड है और हम जो है वो पैसा खा गए। तो मिस्टर मनोज पाल, आप मुझे एक क्लियर करिए पहले कि आप बोलते हो अपने आप को, आप ITA करे हो, आप वेल एजुकेटेड हो, हाईली क्वालिफाइड हो, आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? अगर कोई भी होली चीज कंस्ट्रक्ट होती है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो या और कोई चीज, वो चीज का एक बॉडी होती है, इलेक्टेड बॉडी, ओके, और वो बॉडी जो है वो अपना चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या कोई भी चीज बनाने के लिए वो डोनेशन लेते हैं या अपना आप से इन्वेस्ट करते हैं, ओके। इसमें आप मुझे बताइए ना, जब 20 साल से वो अलॉटेड लैंड है, राम मंदिर का है, तो नेचुरली बात है उसमें उनका बॉडी होगा, मेंबर्स होंगे। HRS का से बीच में आ गया, पैसा ले लिया, फंड ले लिया, आपको बस इतना भी दिमाग नहीं है क्या? क्या बात करते हो पागल लोग की तरह? आपको मैं और एक चीज बताता हूं, आप एक बंगाली नॉन बंगाली करके लड़ाते रहते हो आपस में, फॉर ये काइंड इंफॉर्मेशन,
जब आपका कोर्ट में आपके साथ इंसिडेंस हुआ था, तो आप सुन लीजिए और जाके अपने बहन से भी पूछिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बहन मेरे पास आई थी, ओके, आपका ट्रीटमेंट, आपको चोट लगी, आपको दर्द होते हुआ बोलता हुआ, और हमसे कही थी कि प्लीज हेल्प कीजिए, इनको बहुत दर्द होता है, हॉस्पिटल में दिखाना है। उस वक्त मैं कुछ काम से, हमारा विष्णु पजराज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और उनका एमपी ऑफिस राजनिवास के बगल में थे, ये उस वक्त आपकी सिस्टर वहां आई थी। जब मैं ये सुना, मुझे नहीं पता इनका भाई आप है, मैं सिर्फ एक मदद करने का वजह से मैंने उनको हामी भरी, और नेक्स्ट डे आपको लेकर खुद आपकी बहन जीबी पंत पहुंची थी सीटी स्कैन के साथ, और फिर हमने वहां से सीनियर सर्जन डॉक्टर साजीव वर्गीस को आपको दिखाया था, और वो देखने के बाद आपको बोल दिए थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पेन होता होगा पर अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और वो मेडिसिन से आपको कंटिन्यू करने के लिए बोले। तो आप ये बताइए ना, आपका उस समय तो एक नॉन बंगाली आदमी आपका साथ खड़ा था, बंगाली किधर आ गया? जो अभी नॉन बंगाली और बंगाली को लेके आप आपस में लड़ाते हो, आप भूल गए क्या? दूसरा चीज, आप एचआरएस को बोले कि बीजेपी का एक हिस्सा है, फिर आप पागलों का तरह बात कर दिए। मैं आपको क्लियर करता हूं, कुलदीप राय जर्मसी जी से पूछिए, जो हमारा प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इंटरनेशनल ड्रग्स डे का दिन ना कांग्रेस ऑफिस से लेकर फ्लैग पॉइंट तक रैली की थी, उस रैली में एचआरएस भी पार्टिसिपेट किया था, ओके। सेकेंडली, हर रिलीजियस को यूनाइटेड करने के लिए हमारा डिलानीपुर मस्जिद में एक प्रोग्राम हुई थी, जो कि राशन रसीद जी ने मुझे कॉल किया था पार्टिसिपेट करने के लिए, मैं और अंशुमन रॉय जी उस प्रोग्राम में गए थे, और उसका अंत आपका डिलानीपुर ग्राउंड जहां पे दुर्गा पूजा होती है वहां पे मीटिंग के बाद हुई। तो भाई हम किधर हिंदू संगठन का में आके खड़ा है? तीसरा चीज, आपका टीएसजी में जो डिलानीपुर स्थित है वहां पे भी एक फंक्शन आयोजित किया गया मुसलमान भाइयों के द्वारा, उसमें भी एचआरएस पार्टिसिपेट किया है, भले ही मेरा बैनर हिंदू राष्ट्र शक्ति का है, पर हमारा जितने भी मेंबर है, कार्यकर्ता है, हम अपने जितने भी आइलैंडर्स है, जितने भी कम्युनिटी के लोग है, जितने भी रिलीजियस के लोग है, सबको एकजुट करके मिला के चलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप मेडिकल में आ जाइए, ट्राइबल को मैंने मदद किया है हमारे एचआरएस, मुसलमान भाई को मदद की है एचआरएस, जोड़ाई कलान में एक्सीडेंट हुई थी, उसके अलावा बंगाली लोगों को, बंगाली कम्युनिटी को तो बहुत ही मदद की है, उनका डेड बॉडी तक पहुंचाया है। अब ये क्या नॉन बंगाली 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 लेके आप कम्युनल राइट्स लगा रहे हो यहाँ पे? आपको थोड़ा भी दिमाग है, सोच है? इतना दिन आप ट्वीट करते थे, सोशल मीडिया में बात करते थे, सब जगह करते थे, एचआरएस कभी बीच में आया नहीं, पर आपने बहुत भारी गलती कर दी एचआरएस के ऊपर उंगली करके, ठीक है। मेरी ये जो शब्द है उससे आपका भी क्लियर हो गया होगा कि एचआरएस कोई भी एंड से बीजेपी का अंग नहीं है, एचआरएस अलग से एक संगठन है और भी नॉन पॉलिटिकल संगठन है, और वो सभी कम्युनिटी के साथ मिल के चलता है, ओके। कोविड का सामने समय हमने सबको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने ये नहीं देखा ये मुसलमान भाई है इसको नहीं देना, ये क्रिश्चियन भाई है इसको नहीं देना, हमने सबको दी है। मेडिकल जो आयुष से मेडिसिन मिली थी आयुर्वेदिक की, वो भी डिस्ट्रीब्यूट की है हमने। अब कैसे उंगली उठा दिया हमारे ऊपर, एचआरएस के ऊपर? आपको थोड़ा भी दिमाग है? पढ़े लिखे अपना आपको बोलते हो, बेवकूफ लोगों का तरह बात कर रहे हो, आपका हिम्मत है ना फेस टू फेस आके मिलिए? मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और ये जो आप एलिगेशन लगा रहे हो इसके ऊपर में, ये वीडियो के ऊपर में, कल हमारा युवा मोर्चा अध्यक्ष अंशुमन जी ने डीजीपी साहब को लेटर दिए, कंप्लेंट लेटर आपके ऊपर, चीफ सेक्रेटरी साहब को कंप्लेंट लेटर दिए है, और हमने आग्रह किया है अगर 15 दिन के अंदर इसके ऊपर एक्शन नहीं हुई,
हम बंद कर देंगे पोर्ट ब्लेयर को, धरना प्रदर्शन करेंगे राज्य निवास के सामने, क्योंकि ये बंदा जो है ये हर लोग, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई मीडिया पर्सन हो, हर आदमी के ऊपर में बेझिझक उंगली उठाता है, पर लोग इनको काउंटर इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई इनका मुंह नहीं लगना चाहता है, मेन प्रॉब्लम ये है। पर ये अपना हद ही पार कर दिया, आदमी इसको जमीन में रहने दिया, ये लोगों का सिर में आके बैठना शुरू कर दिया, भाई बहुत हो गया। ठीक है मिस्टर मनोज पाल, और ये जो तुम, सॉरी जो आप ना अंशुमन भाई जैसा कहा, ये जो अपना चिल्लर मिल्लर लोगों को लेके चलता है ना अपने साथ में, उनको भी ले लेना, और मेरा इस जो मैं काउंटर कर रहा हूं आपका न्यूज का क्लिपिंग का, लेके मेरे सामने क्लिपिंग का मैं काउंटर करना, और साथ में एविडेंस रखना और प्रूफ करके दे देना कि एचआरएस डोनेशन लिया है, फंड्स का बैठा है, फंड्स लिया है एचआरएस, आज तक टिल डेट अपना मेंबर का कलेक्शन से अपना संगठन को चलाता है। आज तक पोर्ट ब्लेयर क्या पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर कोई भी बिजनेसमैन हो या पर्सनल कोई आदमी हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, वो ये नहीं बोल सकता कि एचआरएस के लोग मेरे पास डोनेशन लेने आए थे किसी भी चीज के लिए। तो कान खोल के तुम सुन लेना, बोलने से पहले एचआरएस के ऊपर सोच समझ के बोलना, ठीक है। हम तुमसे बड़ा सनकी है ये याद रखना, तुमको पाला सही आदमी से अभी नहीं पड़ा है, अब तुम सही रेटिंग में आ गया है, अब हम क्या करेगा तुम्हारा ये तुमको भी नहीं मालूम है। बोलने से पहले सोच समझ के बोलना, ये मेरा लास्ट वर्डिंग है। हम ये न्यूज चैनल के माध्यम से आपको लास्ट चांस दे रहा है, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप बोलेंगे तो विद एविडेंस के लिए बोलना, नहीं तो मैं ये न्यूज चैनल में नेक्स्ट टाइम आने वाला नहीं हूं, ना ही मेरे संगठन आएंगे, डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगा, फिर उसके बाद क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, ओके। तो अब ये मैं आपको चेतावनी दे दिया हूं, इससे पहले जो आपका वीडियो क्लिपिंग हुआ कैंबल में राम मंदिर को लेके, उसका क्लियर कट आपको बारे में बता दिया हूं एचआरएस का, और उसमें आपको एविडेंस देना है जो आपने एलिगेशन लगाया, मैंने तो अपने तरफ से क्लियर किया है, आप एविडेंस दीजिए चीज के ऊपर। तीसरी चीज, मैंने इसी न्यूज के ऊपर कंप्लेंट दर्ज की है डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को, और 15 दिन का समय पूछा है उनसे, बस मुझे जो कहना था कह दिया, क्योंकि ना अब बहुत बड़ा हिंदू धर्म के ऊपर में, सभी हिंदू संगठन के ऊपर में बहुत मजेदार से आप उंगली उठा दिए, आप ये सोचेंगे कोई सामने नहीं आएगा, आप ये सोचेंगे ये बीजेपी वाले लोगों की तरह हो गए या और कोई पार्टी की तरह हो गए, बोलते रहो इस लोग तो आने वाले नहीं है सामने, पर एचआरएस ऐसा नहीं है, एचआरएस खुल के आएगा सामने, और अभी भी खुल के आया है, नेक्स्ट टाइम बिना इंटरव्यू का आपका सामने खुल के आएगा, ओके, बी रेडी।